आज कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं और अक्सर डिफरेंट ट्राई करने में बंदा मारा जाता है लेकिन कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान है जैसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। एंड फूड का पाकिस्तान एक सीरीज़ हमारी शुरू हो चुकी है जिसमें हम लोग कराची से पेशावर तक जा रहे हैं खाने खाते हुए। आज दूसरा हमारा एपिसोड है जिसमें हम लोग आज कराची से चेकआउट कर रहे हैं और जा रहे हैं हैदराबाद। लेकिन हैदराबाद ऐसे ही नहीं जा रहे कि बस गाड़ी में बैठे और निकल गए, हम लोग कराची से हैदराबाद तक जो हाईवे के ढाबे होंगे मज़ेदार वो खाते पीते जाएंगे। मतलब जो भी क्रेज़ी चीज़ें हमें मिलती जाएंगी, कोई नाश्ते की कोई लंच की, और हाईवे के ढाबे आपको वैसे भी पता है क्रेज़ी किस्म की चीज़ होती है। तो हम लोग कराची से हैदराबाद जाएंगे इन ड्राइवर की इंटरसिटी ऑप्शन यूज़ करते हुए। यहाँ से मैं इन ड्राइवर इंटरसिटी कार ऑर्डर करूँगा और वो कार हमें कराची से हैदराबाद लेके जाएगी। मतलब सुकून से आपको फील है कि अपनी गाड़ी है, जहाँ मर्ज़ी रुकूँगा, जहाँ मर्ज़ी खाऊँगा पीऊँगा और हैदराबाद पहुँचूँगा। अभी हमें बुक करनी है कराची टू हैदराबाद इंटरसिटी राइड, और इंटरसिटी राइड के लिए ये मैं जाऊंगा इंटरसिटी ऑप्शन में कराची टू हैदराबाद। व्हेन टुडे टाइम हम इनको दे देते हैं 12:15 PM। डन। नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स, इसमें मैं एक सीट भी बुक कर सकता हूँ गाड़ी की, दो सीट्स भी बुक कर सकता हूँ, तीन भी, बट मुझे चाहिए ऑल सीट्स नीडेड क्योंकि मेरे पास लगेज बहुत है। डन। ऑफ़र अ फेयर फॉर ऑल सीट्स, ये मज़ेदार चीज़ है, मैंने अपनी ऑफ़र लगानी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कराची से हैदराबाद जाऊँ 4,000 रुपीज़ में। डन। 4,000, सेंड रिक्वेस्ट। टोयोटा करोला 2016 मॉडल, उसके बाद सुजुकी ऑल्टो 2020, उसके बाद टोयोटा करोला 2007 मॉडल, सुजुकी कल्टस, ये सारे 4,000 के। एक बंदे ने मुझे कहा है कि मैं 4,500 में लेके जाऊंगा, ये भी 4,500 है, बट मैं 4,000 वाली टोयोटा करोला 2016 मॉडल एक्सेप्ट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सागर भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सर? और सागर भाई हम यहाँ से हैदराबाद कितनी देर में पहुँच जाएंगे? और सागर भाई ये 2016 मॉडल है ना करोला? 2016 मॉडल है। तो इन ड्राइवर कब से कर रहे हैं आप? सर मैं 2-3 महीने हो गए। अच्छा चल रहा है, मतलब मुझे खास तौर पे बड़ा फायदा हुआ कि मैंने अपने होटल बैठे हुए उसको बुक किया और आप 15 मिनट में मेरे पास हैं। हम लोग वहाँ अड्डे पे जाते थे, हाँ जी, घंटों इंतजार करते थे, तो घंटों बाद हमारा नंबर लगता था। अब आपको फायदा है कि आपके फोन पे आता है और आप पहुँचते हैं और अपना बंदा उठाते हैं और अगले शहर। यार कितनी मज़े की चीज़ है, मतलब ऑनेस्टली मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा, मुझे ये एक मज़ा आया कि मैं अपने होटल बैठा हूँ, मुझे कोई हसल वसल नहीं हुई कि यार फलानी जगह कॉल करनी है, वो कॉल करनी है, यार गाड़ी बुक करवा दे। अगर सिंपली मैंने इन ड्राइवर खोली, उसमें से इंटरसिटी मैंने गाड़ी ली है, खूबसूरत मज़ेदार गाड़ी है, ये एसी भी अच्छा चल रहा है, कराची में तो एसी की ज़रूरत भी बड़ी है। तो बस अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से हैदराबाद के लिए। अच्छा सागर भाई, आपको ना यहाँ से हैदराबाद तक के ढाबों के मज़ेदार खाने खिलाता हुआ जाऊँगा, ठीक है? I look out across the water, I smell the sun, I feel the breeze, but in my heart... हाईवे पे गाड़ी चल रही है, ट्रेवल प्लस फूड, ये चीज़ जो मैं करना चाहता था आज वो हो रही है, हाईवे के खाने। तो साहब हम हाईवे के खाने और इन चीज़ों को कब से प्लान कर रहे थे? ज़्यादा हो गए हैं, हाँ कोई 4-6 महीने हो गए, हम सोच रहे थे यार ये हाईवे के ढाबे जो है ना इनके खाने खाते हैं, आज वो चीज़ हो रही है जिसमें ट्रैवल भी चल रहा है, खाना भी चल रहा है, मज़ा पीक पे है। कराची से हैदराबाद का जो ये रास्ता है हाईवे, ये काफ़ी ड्राई है, मतलब हम लोग ढूंढते आ रहे हैं कि यार कुछ आ क्यों नहीं रहा, कुछ आ क्यों नहीं रहा, अगर कोई आ रहा है तो वो बिल्कुल ही, मतलब उस पर कोई दो लोग बैठे हैं, तीन लोग बैठे हैं, तो यहीं से अंदाज़ा होता है। हम लोग हंटिंग इसी तरह करते हैं कि यार कहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, कहाँ पे ज़्यादा लोग बैठे हैं, वहाँ से पता लगता है अच्छा यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह का है कि इस जगह ने लोगों को अट्रैक्ट किया हुआ है। तो अभी एक जगह रुके हैं, यहाँ पे तकरीबन कोई 8-10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग हैं, हलचल है, ज़रा माहौल थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, और जगह बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़ा सा ये रेस्टोरेंट है, ढाबा नहीं कह सकते इसको, रेस्टोरेंट है लेकिन हाईवे के जिस तरह देसी रेस्टोरेंट होते हैं वो है। अभी अंदर जाके चेक करते हैं क्या माहौल है।
रहा है, खाने पीने में यहाँ क्या मिल रहा है? सब कुछ मिलेगा, नमकीन रोस्ट है, सादा गोश्त है, मुर्गा पीस है, मुर्गा फ्राई है, दाल है, सब्जी है। ये जिस तरह कढ़ाइयाँ यहाँ लाइन में पड़ी हैं वो देख के पता लग रहा है कि शाम को बहुत हैवी माहौल होना है यहाँ पे। ऐसे ही रश हो जाता है? जी सर। शाम में रश हो जाता है? कभी सर रश होता है, कभी नहीं होता है। अच्छा, तो ये क्या कढ़ाइयाँ कौन कौन सी बनती हैं? चिकन कढ़ाई बनती है, वाइट में बनती है, ग्रीन बनती है। इस टाइम नहीं बन रही? जी सर। इस टाइम नहीं है? इस टाइम सर आर्डर आएगा फिर बनाएंगे। अच्छा ठीक है। अभी हम लोग स्ट्रेट जंप करेंगे इनके किचन में कि किचन में क्या माहौल है। बाहर तो हमने देख लिया, अब बहुत बैठने की जगह, लंबी लंबी इन्होंने वो बैठने वाले वो लगाए हुए हैं, बड़े बड़े क्या कहते हैं तख्ते, उसके ऊपर लोग बैठ के खाने शाने खा रहे हैं। बाहर एक अलग माहौल है। अभी किचन की तरफ रवा दवा है। बड़ी हैवी जगह है यार ये, ओए होए होए, काफ़ी काफ़ी जाइंट किस्म का एरिया है। ओए होए होए होए, अब इस तरीके से जो चाय बनी हो कि मतलब वो फेंटी जा रहे हैं उसको, और एक बड़े पतीले में पत्ती का टेस्ट उसके अंदर रच बस चुका है, और वो चाय पीने का जो मज़ा आना है। सर हमारे पास अभी जो रेडी आइटम है वो चिकन कोरमा है, मटन कोरमा है, मटन रोस्ट है, चिकन टिक्का है, ये दाल है जो बहुत हमारी मशहूर है। ठीक है, बिल्कुल। ये दाल आ गई, ये दाल, उसको दाल गोटा कहते हैं। ठीक, दाल गोटा। हाँ, दाल क्यों? पतली वाली दाल है। बिल्कुल ओके, दाल गोटा। गोटा गोटा गोटा, सही है, मुझे लगा बोटा। नहीं बोटा नहीं, गाफ। अच्छा, गाफ गोटा। यहाँ हाईवे का माहौल है, जो कस्टमर आता है वो बिल्कुल फौरन फौरन खाना चाहता है, खाना चाहता है। ये जो मटन रोस्ट है उसका शोरबा है। ठीक है, जो रोस्ट तैयार होते हैं वो मैं रोस्ट आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, ये उसका शोरबा। अच्छा, ये रोस्ट का शोरबा है? रोस्ट का शोरबा है, इसमें ये बूट निकलता है। अच्छा, ये रोस्ट है? ये रोस्ट है। ठीक है, ठीक है, ये रोस्ट चलता है। ठीक, ये इस तरह इसके अंदर, ठीक है, ये पूरा आ जाता है गर्मा गर्म। बिल्कुल गर्मा गर्म, फ्रेश है, अभी हाथ लगे फिर हाथ जल रहा है। इतनी डिशेज़ हैं जो रेडी हैं बिल्कुल, कि आपने आना है, इनको ऑर्डर देना है और खा लेना है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो सारी आप ऑर्डर करो और बन जाएंगी। उसमें मटन कढ़ाइयाँ, चिकन कढ़ाइयाँ, असल माहौल शाम को शुरू होता है बहुत रश वाला। मुझे एक तो आपकी दाल भोटा खानी है जी, जो आपने दिखाई है, क्योंकि वो देखने में बड़ी मज़े की लग रही है जी। एक इन चीज़ों में से हमारे लिए कर दें, मटन कौरमे की प्लेट होगी ना? जी बिल्कुल, प्लेट। एक प्लेट मटन कौरमे की जी, और एक ताज़ी फ्रेश जो है जो ढाबे की ना, आधा किलो चिकन कढ़ाई लगवा दें ताज़ी। जी बिल्कुल, फिट है। हम बाहर बैठते हैं, आप मज़े का खाना तैयार करवा दें, क्योंकि चिकन कढ़ाई का मेरा मूड बहुत हो रहा है, तो मैंने उनको कहा कि मुझे चिकन कढ़ाई जो है वो फ्रेश लगा दें। बॉस हाथ का सारा जायका डाल देना। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। यहाँ पे बन रही है फ्राई चिकन कढ़ाई, क्योंकि वो अगर मोस्टली पंजाब साइड में देखो तो वो ऑयल भर के जो है ना उसमें चिकन नहीं डालते, तो और तरीका है, इनका अपना तरीका है। इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत टेस्टी बनेगी, तरीका अच्छा लग रहा है खावण बिच वेखने कि मैं दिया साई। पीछे हमारा खाना आते हुए, और ले आओ उस्ताद जी, दिखाओ 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 दिखाओ, क्या क्या है ये? एक मिनट सर, मैं इधर शो कर रहा हूँ सर। इधर मुझे तो शो करने दो, मैं ज़्यादा शो रहा हूँ। ओए होए होए होए, एक हेवी हेवी थाल हमारे पास आया है। इसमें क्या क्या है जी? रोटियाँ गर्मा गर्म ताज़ी जी सर। ये पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री है हमारा, कीमा और वेजिटेबल। अच्छा, ये चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं सर। एक ये ग्रीन सैलेड है सर, और ये मटन के सूप है सर। सही है। ये आपकी दाल मूंग, ये दाल गोटा, हाँ गोटा दाल, गोटा गोटा दाल। और ये क्या चीज़ है? ये कीमा है सर, मटन कीमा। यार ये तो बड़ी फाइन डाइन थी इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है। ये कढ़ाई है? कढ़ाई आ गया। ये मुझे लग रहा है सही हाईवे का रेस्टोरेंट। ओ बिस्मिल्लाह, लाल रत्ती कढ़ाई। सागर भाई ये तो पेशावरी कढ़ाई लग रही है। हाँ रोटी, वो कड़कड़ाती रोटी। पहले तो जी हमें इन्होंने दिया है मटन कीमा, ये मटन कीमा और मटर, ये खा के देखते हैं। वेरी माइल्ड, मीठा मीठा। सागर भाई ये सिंध वाले लोग मीठी चीज़ें खाते हैं, कराची में तो ये महसूस नहीं हुआ कभी। ये मैं हाईवे पर ऐसे ही होता है खाना,
ओके वो टेस्ट को एकदम जो माइल्ड किया मुझे लगा ये तो मैं पता नहीं कलेजी पूरे दिखा रहा हूँ, अंदर कलेजियाँ डली हुई है, कीमा कलेजी मटर। अब मैंने एक्सपेक्ट कर सकता है ठीक है कलेजी जो है वो स्पाइसेस को थोड़ा सा बैलेंस कर रही है, मज़े की चीज़ है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। सागर भाई ये ट्राई करें, मुझे ज़रा दाल घोटा ट्राई करें, अच्छी बनी हुई दाल घोटा, ये लग रही है मुझे ऑथेंटिक देसी चीज़। ओए होए 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 दाल पे कसर ही सारी निकाल दी, ऐसे ऑथेंटिक जैसा मेरी अम्मी ये दाल बड़ी मज़े की बनाती है, और ये लग रहा है कि एक शदीद मज़ेदार ऑथेंटिक देसी दाल है विद फुल मज़े के स्पाइसेस, सारी मिर्चें मसाले ग्रीन चिली डाली हुई है। यार इस दाल के मतलब स्पाइसेस टेस्ट टेक्सचर जो है वो एक जो ऑथेंटिक हम लोग देसी दालें खाते हैं ना तो आपको ज़रा इस तरह फील होता है कि इसमें चंकी चंकी सा है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे वो दाल जिस तरह पिसी हुई कुटी हुई दाल आ रही होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पानी नहीं हुआ, दाल का एक टेक्सचर प्रॉपरली फील हो रहा है पिसा हुआ, साथ में ग्रीन चिली और साथ में जो एक नॉर्मल बिल्कुल स्पाइसेस होते हैं जो बहुत अच्छी नस्ल की दाल होती है ये वो है। कढ़ाई जो है वो बनते हुए पूरा प्रोसेस देखा है, फुल देसी घी के अंदर बनी हुई है, क्रीम इन्होंने ऐड की है उसमें, मज़ेदार कढ़ाई, अच्छी खासी मज़ेदार कढ़ाई, प्रॉपर स्पाइसेस जो एक कढ़ाई के अंदर आपको चटखारे स्पाइसेस थोड़े फील होने चाहिए उस तरह से, और बड़ी रेडिश किस्म की है जो क्रीम इन्होंने ऐड की है उसके वजह से थोड़ा सा, और देसी घी की वजह से एक प्रॉपर बटरी फील आ रही है मुंह के अंदर कि वो घूम रहा है ज़रा, वो टेस्ट छोड़ के जिस तरह कढ़ाई जा रही है आप ज़रा मक्खन मक्खन वाली चीज़ें खाते हैं उस तरह की फील है। साथ में इन्होंने यखनी दी है, मैंने यहाँ पे रोश नहीं मंगवाया क्योंकि मैं दोबारा रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, उसकी यखनी इन्होंने कम्प्लीमेंट्री भेज दी है, वो पी के देखो गाइस, मिर्ची और घी वाला पानी। यार मुझे सागर भाई के साथ जो वो इतना मज़ा आ रहा है सफ़र करने का, हालांकि वैसे हमारा सफ़र जो है वो सागर भाई 2 घंटे का था पर हम लोग निकले हुए हैं 1:15 निकले थे और 6:30 हो चुके हैं क्योंकि हम अपने ये ख्वाबों के चक्कर में जो है ना रुकते आ रहे हैं, और सागर भाई शुक्रिया यार आप इतना हमारे लिए रुक रहे हैं, आपका 2 घंटे का सफ़र हमने 8 घंटे का बना दिया। आप मेरे पंजाब के भाई हो तो ज़ाहिर है मेरा हस्बैंड का है। ओ हो 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 उस्ताद जी चाह, हाँ 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 ओए हो ये चाय मिस कर दी सागर भाई आपने, क्यों ये असल ट्रकों वाली चाय है, यहाँ से आप कराची ले रहे हो बेशक, नहीं कराची तो इधर है, हमें आदत है ना वो लाहौर में बैठे बोलने वाली का चाय पी ली, उनपावें कराची ले जा, अभी तो बैठे ही कराची के पास, उनपावें लाहौर ले जाओ। मैंने ज़रा चाय के 4-5 चुस्कियाँ लगाई हैं और ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि चाय का ये लेवल है, चाय का मुआशरे में ये मुकाम है कि अगर मैं पाकिस्तान में से 10 बेस्ट चाय चुनूँ कहीं की तो उनमें से ये कोई 3rd-4th नंबर पर कहीं पर आएगी। पहले नंबर पर कौन सी आनी चाहिए तुम बताओ? कोयटा वाली हमने पी थी, क्या नाम याद है उसका? नाम नहीं याद मुझे, बाकी खा के चीज़ का नाम नहीं याद रहता कि कहाँ से खाई थी। अभी मैंने चाय शाय पी उसके बाद बिल मंगवाया और जब बिल आया तो भाई हैरान हुआ, इतना कुछ हमने मंगवाया, पूरी टेबल हमारी फुल थी, हम मज़े से हमने खाना खाया, 1310 रुपये बिल बना, कमाल है यार, इतना मज़े का खाना था तो जिन्होंने खाना बनाया और सर्व किया दे डिज़र्व इन ड्राइवर की मर्चेंडाइज, तो अभी हम उनको देंगे, उठा लें आ जाए मेरे साथ आप। आपने इतनी अच्छी कढ़ाई बनाई थी, ये आपके लिए एक शर्ट है इन ड्राइवर की, सही है सही है। कराची हैदराबाद हाईवे पे हमारा आज का आखिरी स्पॉट, ये पीछे पूरी हाईवे रौनक से भरी हुई आपको नज़र आ रही है, जैसी रात होती है इस रोड पे इसके ढाबों पे रौनक शुरू, ये वैसे ओवरऑल यही होता है कि ढाबों पे असल रौनक रात को शुरू होती है। हम लोग इस टाइम हैदराबाद के बाहर जो हाईवे वो पहुँच चुके हैं, मतलब वेलकम टू हैदराबाद, फाइनली हैदराबाद हम एंटर हो चुके हैं, बिल्कुल सिटी से 1-2 किलोमीटर बाहर जो हाईवे उस पर एक रेस्टोरेंट है दरबार, हैदराबाद दरबार होटल, और लास्ट ईयर जब मैं हैदराबाद दरबार होटल आया था तो तब जो बॉय हमें होस्ट कर रहे थे वो अभी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जवाब क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, वन ईयर एक साल हो चुका है जब मैं लास्ट टाइम हैदराबाद फर्स्ट और लास्ट टाइम हैदराबाद आया था और जवाद ने मुझे होस्ट किया था, आज फिर जवाद के साथ मैं कांटेक्ट में था कि जवाद मैं हैदराबाद पहुंच रहा हूं और सबसे पहले दरबार होटल होगा। तो हम लोग दरबार होटल पहुंच चुके हैं और एक हैवी माहौल है पिछली दफ़ा की तरह, आज फिर मैं आके थोड़ा सा अमेजिंग सा फील हो रहा है कि यार कितनी बड़ी जगह है और कितना इन्होंने लाइटें और उसको सेट किया हुआ है, दरबारी माहौल दिया हुआ है, आपको एक फील आती है शहाना किस्म की क्योंकि इनका इंटीरियर एम्बियांस वगैरह इस टाइप की है, फुली लाइटिंग
बड़ी बड़ी जो है वो बैठने की जगह आपको 70-80 तरह की तो अंदर बैठने की जगह है, ओपन एयर, इंडोर का भी इंडोर। तो इस तरह की काफ़ी जगह हैं, बड़े बड़े किचन इनके, खाने का एक लेवल का माहौल। तो वो फिलहाल यहाँ पे सीन चल रहा है और सागर भाई भी हमारे साथ खाएंगे। ओके सागर भाई, ठीक है भाई। और मेरा ख्याल आज हम कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे। सही है। हैदराबाद दरबार होटल में वंस अगेन आपका भाई, जिसको बड़े अरसे से मैं याद कर रहा था, और इसकी वाकई में एक अलग फील है, अलग वाइब है। जवाब उसके बाद कितनी दफ़ा आए हो जब लास्ट टाइम हम इकट्ठे आए थे? यार सिर्फ यार मुझे वहाँ रहते हुए ये रोज़ याद आता है। ओए होए, आज भी कढ़ाइयाँ उसी शपैक के साथ बन रही हैं। इनके किचन में एक कनाल का घर बन सकता है, नहीं थोड़ा ज़्यादा। जवाब ये जो क्रेजीनेस दरबार होटल के किचन में नज़र आती है, मतलब एक साल हो गया हमें, ऑलमोस्ट एक साल पहले हमने हैदराबाद किया था और तब से ये मेरे दिमाग में फंसा हुआ था, क्योंकि इसके किचन में जो एक क्रेज़ है, मतलब आपको फूड का एक मोहब्बत नज़र आती है। चीज़ें ऐसे बन रही हैं, फुल तेज़ आग, मसाले डाल रहे हैं, कढ़ाइयाँ बन रही हैं, एक तरफ चाइनीज़ बन रहा है, एक तरफ चाय बन रही है, तंदूर लगा हुआ है। बहुत बड़ा इनका जो है वो किचन का सेटअप है, उसके अंदर हांडियों की अलग स्पेस है, कढ़ाइयों की अलग जगह है, और एक लेवल है इसका। जब हम लास्ट टाइम आए थे तब से अब तक इनका टेस्ट कंसिस्टेंट है। हाँ, तकरीबन मतलब कह सकते हैं कि ये अपनी पेस्ट पे चल रहे हैं। सही है, आज चेक करते हैं खा के। आज हम कुछ और ट्राई करेंगे। लास्ट टाइम वाली चीज़ें मेरी ज़ुबान से उतर नहीं रही, लेकिन सुबह से मैंने कढ़ाइयाँ बढ़ाइयाँ इतनी खाई हुई हैं कि अभी जो है हम इनका कुछ और ट्राई करेंगे। शायद मैं चाइनीज़ ट्राई करूँ, अभी तो मैं बनते हुए देख रहा हूँ चीज़ें बन कैसे रहेंगी। क्या क्या है? रोगनी। ये क्या है? रोगनी। रोगनी हैदराबाद दरबार होटल के मज़ेदार किस्म के लेवल खाने हमारे पास आ चुके हैं फाइनली। एक साल के बाद इसको खाने को याद करने के बाद, लेकिन जो चीज़ें लास्ट टाइम मैंने मंगवाई थी उनमें हमने शिनवारी कढ़ाई मंगवाई थी, जो हमारे दिल को चीर के गुजर गई थी, पेशावरी शिनवारी। वो इस दफ़ा मैंने जान के नहीं मंगवाई, क्योंकि सुबह से कढ़ाइयाँ एक तो खा रहा हूँ और दूसरा कुछ नया मैं इनका ट्राई करना चाह रहा था। तो हमने एक तो इनकी सिग्नेचर मंगवाई है, कौन सी? मखनी। मखनी सिग्नेचर मखनी हांडी एक मंगवाई है, साथ में हमने चिकन चिली ड्राई मंगवाया, जो देसी चाइनीज़ इन्होंने नाम दिया हुआ उसको, और एक हमने बीफ बिहारी बोटी मंगवाई है, जिसके साथ खट्टी खट्टी इमली वाली चटनी है, और साथ में ये लास्ट टाइम की तरह सांप वाली टोकरी के अंदर इन्होंने नान शान रखे होते हैं। सबसे पहले ट्राई करूंगा बारबेक्यू, फॉइल पेपर्स के अंदर लपेटी हुई, मुझे लगता है ये बनी भी ऐसे है, ये बाद में पैक की हुई है, क्योंकि फॉइल पेपर के ऊपर कोई ऐसे सुराग नहीं है। ओए होए 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 होए, ऐसे मीट जिस तरह हैवी करके पड़ा हुआ है। ओए यार मज़े की बिहारी बोटी है, लेकिन इनका जो मीट है वो थोड़ा, मतलब वो जिसके बीच में चर्बी होती है, थोड़ा च्यूई वाला, एक तो च्यूई होता है जो मीट, ठीक है जी, ज़रा डन डन वेल डन से थोड़ा, ये थोड़ा इस तरह है जिस तरह चर्बी वाला च्यूई होता है। हाँ, मसाला प्रॉपर बिहारी जो होना चाहिए उस तरह से, टेस्ट अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि मीट का थोड़ा सा कोई इशू है। ओके चलते हैं हम अपने चाइनीज़ फ्यूजन की तरफ, मुझे एक छुरी कांटा दे दिया जाए। ओके जी, फ्राइड राइस, चिकन चिली ड्राई, देखने में अच्छा लग रहा है यार। चाइनीज़ मतलब देसी चाइनीज़, सॉरी देसी चाइनीज़, वाकई देसी है। मुझे मतलब पहले मैंने सोचा कि इन्होंने ज़रा शपैक मारा हुआ है कि लिखें देसी चाइनीज़, लेकिन ये बिल्कुल कोई फील है ही नहीं चाइनीज़, मतलब फ्राइड राइस जो है वो तो समझ आ रही है, जो चिकन चिली ड्राई वो बिल्कुल भी चिकन चिली ड्राई नहीं है। वो ऐसे चिकन स्ट्रिप्स हैं, उनको ज़रा कोई सॉस मॉस के अंदर बना के और थोड़ी सी मिर्चें डाल दी हैं, फिर चिकन चिली ड्राई वाली कोई वाइब नहीं है, लेकिन जो भी है ये मज़े का है। ये खा के देखो, आपने कभी ज़िंदगी में मीठा चिकन चिली ड्राई खाया है? केचप में बना हुआ है। हाँ हाँ, है ना। हाँ, मेरी कॉफ़ी कोलाडा। अच्छा, पीना कोलाडा मैंने बहुत पिया, अक्सर रेस्टोरेंट्स के अंदर जाते हैं पीना कोलाडा, अक्सर कम्प्लीमेंट्री सर्व हो जाता है, अक्सर आपको लेना पड़ता है, मोस्टली बफेज़ के अंदर कम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। आज पीना कोलाडा वाले मेन्यू के अंदर मुझे नज़र आया कॉफ़ी कोलाडा, मेरे को ब्रो यही चलेगा।
ओए मीठा तो है लेकिन मज़े की भी बहुत है। वो पीना कोलाडा अगर आपने पिया हुआ है बिल्कुल एग्जैक्ट वही फील है, मतलब लग भी यही रहा कि पीना कोलाडा ही पी रहा हूँ लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कॉफ़ी है। मुझे लगता है पीना कोलाडा बना के ना इन्होंने कॉफ़ी डाली हुई है। हाँ बिल्कुल वो टेस्ट है इसका। मेन डिश की तरफ मैं इसका नाम फिर भूल जाता हूँ, सिग्नेचर हांडी, क्या नाम है? मखनी हांडी, दरबारी मखनी हांडी, राइट? दरबारी मखनी हांडी लास्ट टाइम ये उबलती हुई आई थी। Exactly. हैदराबाद मुझे नहीं भूलता यार, मैं हैदराबाद बाकी नहीं भूल सकता। क्या खाने हैं यार, ओए होए होए होए, प्रॉपरली ऑयली। सागर भाई ले, सागर भाई ब्रेक नहीं लगानी यार। ओहो अच्छा, दरबारी मखनी खाते हुए एक तो आपको फील ही आती है कि यार मैं कोई शाहाना चीज़ खा रहा हूँ, क्योंकि नाम ऐसा दरबारी मखनी, और इसको खाते हुए एक जो इसका एरोमा फील होता है ना वो प्रॉपरली क्रीमी, और ऐसे ज़रा जो मिर्चे मसाले थोड़े इन्होंने डाले हुए, इन्होंने वाइट हांडी को मिक्स किया हुआ है रेड हांडी के साथ। ये इस तरह की चीज़ है, वाइट रेड मिक्स हांडी है, क्योंकि क्रीम और वो चीज़ें सारी वो हैं जो वाइट बोनलेस हांडी में होती हैं। आज एकदम से खाते हुए मुझे लगता है मैंने कड़ी खाई है, फिर याद आता नहीं हांडी पता नहीं क्यों है ना, कड़ी का लग रहा है ना। लो जी सागर भाई का वोट मेरी तरफ है, मैंने सही कहा। सागर भाई कैसा लगा इतने खाने वाने खा के? बहुत अच्छा लगा यार, राइड थी 2 घंटे की और अभी टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं, तो आपके साथ हमने इतनी लंबी राइड की है। तो सागर भाई ये आपके लिए इन ड्राइवर के 2 बैजेस हैं, क्या एक मास्क है आपके लिए और इन ड्राइवर की एक शर्ट है आपके लिए, एक कैप है। थैंक यू। और राइड एंड करते हैं, मैं यहाँ से आगे चला जाऊँगा क्योंकि हम लोग सिटी से तकरीबन 1 किलोमीटर शायद बाहर खड़े हैं। क्या हमारे थे 4000। सागर भाई आपने हमारे साथ दिन पूरा गुजारा, तो ये 5000 पकड़े और ये 1000 पकड़े, 6000, क्योंकि आपकी राइड 2 घंटे की थी, मैंने आपके 8-9 घंटे लिए, ठीक है? नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। एक दिन पूरा सागर भाई के नाम हो गया, आपका नंबर है, इंशाल्लाह रात रहेगा, डन इंशाल्लाह, इंशाल्लाह लाजमी आप ये वीडियो जो बनाए तो मुझे व्हाट्सएप, मैं आपको व्हाट्सएप पूरी वीडियो कर दूंगा। ओके सागर भाई, थैंक यू, अल्लाह इंशाल्लाह। सागर मैं महीना हूँ इधर, ठीक है चला जाऊँगा बस, ठीक है ओके, ठीक है वेलकम टू हैदराबाद, मतलब अभी तो नहीं मुझे कहना चाहिए क्योंकि हैदराबाद हमारा शुरू सुबह शुरू होगा। सागर भी एक मिनट सामान निकाल लें हम, तो खैर जी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिख रहे भाई को दो, हम याद रखना इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। फूड का पाकिस्तान विद इन ड्राइवर सीरीज़ आपको कैसी लग रही है? आज दूसरा एपिसोड था जो ख़त्म हो चुका है, कल इंशाल्लाह हम लोग हैदराबाद के अंदर रनी डालेंगे एपिसोड 3, उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए आपको। अल्लाह हाफिज़। ये हमें मिले हैं जी यहाँ पे हैदराबादी बॉयज़, और क्या कहना चाहते हो यार? I look out across the water, I smell the salt, I feel the breeze, but in my